Hey guys, thank you so much for coming back. मेरा नाम है सुनील अधिकारी. चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को. देखिए आज का वीडियो बहुत ही शॉर्ट एंड सिंपल होने वाला है. इंटीरियर डिजाइनिंग कैरियर के बारे में आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे. जिन बच्चों को भी आफ्टर 12th इंटीरियर डिजाइनिंग में अपना कैरियर बनाना है उनको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में समझाने वाला हूँ कैसे क्या करना है जस्ट आफ्टर फिनिशिंग योर 12th. देखिए इंटीरियर डिजाइनिंग जो हमारी एक फील्ड है वहाँ पर एज सच कोई स्ट्रीम की पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट नहीं होती है. दैट सिंपली मीन्स अगर आप कॉमर्स के हैं, साइंस के हैं या फिर ह्यूमैनिटीज़ के अगर आप स्टूडेंट हैं तब भी आप ये इंटीरियर डिजाइनिंग के कोर्सेज को कर सकते हैं. सबसे पहले आपकी स्क्रीन पे वेरियस मैंने कोर्सेज यहाँ पर मेंशन कर रखे हैं. ये मास्टर्स लेवल के भी कोर्सेज हैं और बैचलर लेवल के भी कोर्सेज हैं. सबसे पहले हमें बैचलर लेवल के कोर्सेज करने हैं, उसके बाद हमें मास्टर्स लेवल के कोर्सेज करने हैं इंटीरियर डिजाइनिंग में अपना कैरियर बनाने के लिए. राइट, चलिए देखिए सबसे पहले आपको जो नाम दिख रहा है वो है BDS बैचलर इन डिज़ाइन. इसमें इंटीरियर डिज़ाइनिंग आप स्पेशलाइजेशन को चूज़ कर सकते हो. बैचलर ऑफ डिज़ाइन देखिए हमारा एक रेगुलर 4 साल का कोर्स है. वहाँ पर हमें वेरियस स्पेशलाइजेशन ऑफर होती है. BDS के बारे में नहीं जानते हैं तो मेरा एक अलग से वीडियो है BDS बाय सुनील अधिकारी डालेंगे यूट्यूब पे तो आपको वीडियो मिल जाएगा. राइट, आप BDS कर सकते हैं बच्चों इंटीरियर डिज़ाइनिंग में. 4 साल का ये हमारा कोर्स है. आप BSc कर सकते हैं. अगर आप साइंस के स्टूडेंट थे तब आप BSc में एनरोलमेंट ले सकते हैं. BSc इन इंटीरियर डिज़ाइनिंग कर सकते हैं. BDS करने के लिए कोई भी स्ट्रीम आप चूज़ कर सकते हैं. कोई भी स्ट्रीम से आप हों तब आप BDS कर सकते हैं. BSc करने के लिए साइंस स्ट्रीम होना ज़रूरी है. राइट, यहाँ तक क्लियर हो रहा है. चलिए BDS का बड़ा भाई MDS आप इसको बोल सकते हैं. तो BDS अगर आपने कर रखा है तो मास्टर्स लेवल के लिए MDS कोर्स कर सकते हैं इंटीरियर डिज़ाइनिंग में 2 साल का. और BSc इंटीरियर डिज़ाइनिंग अगर आपने कर रखी है तो MSc इंटीरियर डिज़ाइनिंग आप चूज़ कर सकते हैं. ये भी 2 साल का हमारा कोर्स होता है. डिप्लोमा अगर आप करना चाहते हैं, अगर आपका मास्टर्स या फिर ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है किसी भी अलग फील्ड में और आप इंटीरियर डिज़ाइनिंग के नॉलेज लेना चाहते हैं तो आप डिप्लोमा इन इंटीरियर डिज़ाइनिंग कर सकते हैं. ये 1 साल का हमारा कोर्स रहता है. अगर आप सर्टिफिकेट कोर्स करने चाहते हैं तो आप 6 मंथ की ड्यूरेशन से लेकर 1 साल का जो सर्टिफिकेशन कोर्स है किसी भी अच्छे डिज़ाइनिंग इंस्टीट्यूट से कर सकते हैं. राइट, सो आई होप सो आपको सिंपल हो रहा होगा, क्लियर हो रहा होगा. अगर आप 12th कंप्लीट हो चुकी है आपकी तो BDS सबसे एक अच्छा ऑप्शन है. BDS इन इंटीरियर डिज़ाइनिंग. अगर इनकेस BDS में एडमिशन नहीं मिल पा रहा है तो हम BSc चूज़ कर सकते हैं इंटीरियर डिज़ाइनिंग में. 2 हमारे पास ऑप्शन है BDS या फिर BSc इन इंटीरियर डिज़ाइनिंग. ये 2 बहुत ही अच्छे कोर्सेज हैं जो कि आप चूज़ कर सकते हो. कई कई जगह BFA जो हमारा कोर्स होता है फाइन आर्ट्स का वहाँ पर भी इंटीरियर डिज़ाइनिंग ऑप्शन होता है. अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो BFA कर सकते हो और वहाँ से अपना जो कैरियर है इंटीरियर डिज़ाइनिंग में भी आप बना सकते हैं. राइट, 2-3 ऑप्शन मैंने आपको बता दिए हैं. आगे बात करते हैं कौन से एंट्रेंस है और कौन से अच्छे कॉलेजेस हैं. राइट, चलिए देखिए एंट्रेंस की अगर मैं बात करूं तो अलग अलग नेशनल लेवल के एंट्रेंस है, कई इंस्टीट्यूट लेवल के एंट्रेंस है. राइट, UCEED जैसे हमारा है UCEED जो है नेशनल लेवल का एंट्रेंस है. UCEED के कोर्स कर कर या इसके एंट्रेंस को क्रैक कर कर आप जितने भी UCEED के अंडर में अच्छे कॉलेजेस हैं उनमें आप एडमिशन ले सकते हैं. CEED हमारा नेशनल लेवल का अदर एंट्रेंस है. जितने भी टॉप डिज़ाइनिंग इंस्टीट्यूट वगैरह हैं ये नेशनल लेवल जो हमारा कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम होता है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, इसके बेसिस पर आपको सिलेक्शन देते हैं. इंस्टीट्यूट लेवल जिनके भी आगे लिखा हुआ है दैट सिंपली मीन्स वो स्पेसिफिक उसी इंस्टीट्यूट के एंट्रेंस है. किसी और इंस्टीट्यूट में उस इंस्टीट्यूट का सर्टिफिकेट या फिर स्कोर कार्ड एप्लीकेबल नहीं होता है. नेशनल लेवल जिस भी एंट्रेंस के सामने आपको लिखा हुआ दिख रहा है दैट मीन्स जितने भी अच्छे डिज़ाइनिंग कॉलेजेस हैं वो UCEED या फिर CEED के बेसिस पर सबसे बड़े ये 2 ही हैं. इसके बेसिस पर आपको एडमिशन प्रोवाइड कराते हैं. राइट, AIEED इंस्टीट्यूट लेवल का है. GD गोयनका का स्पेसिफिक है इंस्टीट्यूट लेवल का. सेप्ट यूनिवर्सिटी का खुद का एंट्रेंस है. IAAD एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, खुद की यूनिवर्सिटी का. पीएल एकेडमी का खुद का एंट्रेंस है. CEED का खुद का एंट्रेंस है. NID का हमारे खुद का स्पेसिफिक एंट्रेंस है और UID का भी खुद का एप्टीट्यूड टेस्ट होता है जो कि इंस्टीट्यूट लेवल में काउंट होता है. राइट, चलिए अब बात कर लेते हैं कौन से पॉपुलर कॉलेजेस हैं जो कि इंटीरियर डिज़ाइनिंग के कोर्सेज़ को ऑफर करते हैं. आपको मैंने एंट्रेंस के नाम बता ही दिए हैं. इनमें से कई खुद के भी इंस्टीट्यूट लेवल के भी हैं और कई आपको नेशनल लेवल का जो भी UCEED वगैरह है या CEED वगैरह उसके बेसिस पर भी आपको एडमिशन देते हैं. करना क्या है, देखिए करना यह है कि जो भी कॉलेज आप इंटरेस्टेड होते हैं एडमिशन के लिए उन कॉलेज के वेबसाइट पे जाइए. सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर अवेलेबल रहती है कि ये कॉलेज जिनमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं वो कैसे किस बेसिस पर आपको एडमिशन देते हैं. वहाँ पर सब कुछ मेंशन रहता है, कॉन्टैक्ट नंबर भी रहता है तो आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. राइट, चलिए, आर्च कॉलेज ऑफ डिज़ाइन एंड बिजनेस है हमारा, सामने आपको फीस भी दिख रही है बच्चों, 75,000 हमारी फीस है, ये पर ईयर की फीस है, राइट। वोग इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन है, एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन है, स्कूल ऑफ आर्ट एंड फैशन टेक्नोलॉजी है, करुण्या इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस है, सृष्टि मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट है, मणिपाल अकेडमी का ये हमारा ब्रांच है, राइट। देखिए कई जगह आपको ये जो फीस वगैरह है यहाँ पर फ्लक्चुएशन हो सकता है, कई बार ये जो फीस स्ट्रक्चर है स्पेसिफिकली मेंशन नहीं करते हैं कि पर ईयर का है या एंटायर फीस का है। जैसे मणिपाल एकेडमी का ये एंटायर फीस स्ट्रक्चर है, मतलब पूरे जितने भी आप कोर्सेज करते हैं 3 या 4 साल के, उसका एंटायर फीस स्ट्रक्चर है। रफल्स डिज़ाइन इंटरनेशनल 3.74, सेप्ट यूनिवर्सिटी का भी ये एंटायर ड्यूरेशन का फीस स्ट्रक्चर है। के मंगलम यूनिवर्सिटी का सेंट जेवियर कॉलेज हमारा एक अच्छा इंटीरियर डिज़ाइनिंग का ऑप्शन हो सकता है। सो मैं रिक्वेस्ट यही करूँगा कि एडमिशन लेने से पहले, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन लेने से पहले या कहीं पर भी आप पता करते हैं तो उनकी वेबसाइट जरूर चेक कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर आपको ऑथेंटिक और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। पर ईयर या पर सेमेस्टर या जो एंटायर ड्यूरेशन का फीस स्ट्रक्चर है वो भी आपको वहीं से क्लियर हो जाएगा, राइट। सो बच्चों, इंटीरियर डिज़ाइनिंग का आपको स्ट्रक्चर पता लग गया है। 2-3 कोर्सेज मैंने बताए हैं, BSc, BDS या फिर BFA कोर्स आप कर सकते हैं, इनके थ्रू आप इंटीरियर डिज़ाइनिंग में एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले आपको कॉलेज सेलेक्ट करना है, उस कॉलेज में पता करना है कि एंट्रेंस के थ्रू होता है एडमिशन या फिर 12th की परसेंटेज के बेसिस पर। आपको वहां जाके ये इंक्वायरी मिल जाएगी। जैसे ही आपको एडमिशन का पता लगता है आप अपना एडमिशन अच्छे कॉलेजेस में करा सकते हैं। अच्छे कॉलेज से इंटीरियर डिज़ाइनिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि अच्छे प्रोजेक्ट आपको मिल सके फ्यूचर में। आई होप सो इन्फॉर्मेशन आपको वैल्यूबल रखी होगी। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएगा, और अब आप मुझसे डायरेक्टली 1-to-1 भी बात कर सकते हैं अगर आपको कैरियर रिलेटेड कोई भी डाउट रहता है। मैंने एक लिंक प्रोवाइड करा रखा है, उसके थ्रू आप अपना जूम का कंसल्टेशन कॉल बुक कर सकते हैं, राइट। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपका भी दिन आएगा। थैंक यू सो मच।